अरे दो बार में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मत, कोई अनुयायी आईडी पर रोल। हिमानी जी, केबीसी में पहुंचने का मौका आपको मिला, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना? फर्स्ट ऑफ ऑल, केबीसी में पहुंचने का जो मौका मिला, सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट तो वही हॉट सीट, और आगे क्या हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मुंबई तक जाने का जो सफर था, अपने आप में सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज अमाउंट मैंने नहीं करता है, हमने वहां जाकर क्या सीखा, क्या रिस्पेक्ट मिला। आप पूरी तरीके से देख नहीं पाती, एक एक्सीडेंट में आपकी आंखें खराब हुई, फिर कैसे यहां तक इस सफर को तय किया, वो अपनी बात और बताइए। केबीसी में पहुंचने के लिए कैसे क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? सर, केबीसी में पहुंचने का प्रयास मैंने अभी बताया था कि 2 साल 1 साल 6 महीने या फिर अभी जून में मुझे कॉल आया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने स्पेशली भी तैयारी की, 2 साल 1 साल और बोला गया तो सेल्फ डिफेंस बेस पर, बिकॉज जब मैंने बताया ऑलरेडी मुझे बताया हुआ 5 से 6 साल की थी, जब क्विज शो का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गई, तो क्विज केबीसी का क्विज बैठ गया लॉन्च के लिए भी, और उसमें नाम था मेरे 2009 जब मैं 13 साल की थी, तभी से जब 2009 में सिर्फ 13 साल की, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी दीदी के साथ बैठ गई, तो जो इच्छा था वो कंटिन्यूसली बैठ रहा है। और जैसे जैसे एज बढ़ता गया और सॉन्ग केबीसी का इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू रहा, फिर मैं जब अप्लाई करती थी, जब फिर सुनी ने बैठाया तो उसमें एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता था रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर ये चीज़ें शायद ऑलरेडी नहीं है और कुछ हो सकता है। फाइनली सर, आगे मुझे आप कितने पूछ रहे हैं और आपके क्वेश्चन कितने? देखिए सर, अभी मैंने